खुदावंद यीशु मसीह में आप सब दोस्तों की सलामती चाहता हूँ। इस वक्त हम खुदावंद के फजल से आज यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारी मीटिंग थी और पाकिस्तान क्रिश्चियंस के हवाले से, और बड़ी ज़बरदस्त सक्सेसफुल मीटिंग रही है, अच्छी बात हुई है। और आज हमने डिस्कशन की है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो है वो सेफ नहीं है, उनके लिए कोई बेहतर हल निकाला जाए उनकी सेफ्टी के लिए, और उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए पाकिस्तान में भी एज अ वुमन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग ब्रसल में खड़े हैं और अभी हमने मीटिंग की है और हमने पिटिशन जो है वो हैंड ओवर की है पिटिशन के हवाले से, लेकिन हमारी मीटिंग बड़ी कामयाब रही और हमने तकरीबन तमाम इश्यूज़ जो हैं उन पर बात की आज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद ने चाहा तो हमारी जो ये पिटिशन है ये कोई ना कोई रंग लाएगी, क्योंकि ये पिटिशन जो है ना सिर्फ हमने इधर दी है बल्कि इन्हीं के हवाले की हमने मिस्टर जोसेफ बोरल जो है उनके लिए दी। तो कुछ कहेंगे सर? देखिए, हम बार बार पूरी दुनिया से यही मुतालबा करने आते हैं कि पाकिस्तान अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर पर साइन कर चुका है और इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के जो करारदाद हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से और तहफ़ुज़ मज़हब के हवाले से, उस पर पाकिस्तान को अमल करना चाहिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की जो प्रोसिक्यूशन हो रही है उसका खात्मा होना चाहिए। ख़ासतौर पर जड़ावाला में जो वाक़या हुआ है उसने हमें बताया है कि अकलियतें पाकिस्तान में गैर महफूज हैं। पाकिस्तान को अकलियतों की हिफाजत के लिए कानून साजी करनी चाहिए, पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए कानून साजी करनी चाहिए। ये जो माहौल है कि आप फंडामेंटलिज्म को फ़रोग देते जाएं, ये हमेशा नहीं चल सकता। या तो पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत बन के पूरी दुनिया के साथ चल सकता है, या फिर जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। हाँ जी, मीटिंग बहुत कामयाब रही और हमने GSP प्लस स्टेटस के बारे में वहाँ पर तफसील के साथ उनके साथ बात की है और उन्होंने इस बात में हमें यकीन दहानी कराई है कि अभी ये शोर नहीं है कि पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस मिलेगा। वो उन्होंने हमें ये बताया कि वो मुसलसल पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई उन तमाम शरायत पर अमल कर रहा है कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस दिया जाएगा। और हमने स्पेशली इस बात को उनके सामने रखा कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को सामने रखकर, उनकी प्रोटेक्शन को सामने रखकर GSP प्लस स्टेटस के बारे में जो भी फैसला हो वो किया जाए। यूरोपियन पार्लियामेंट के जिस नुमाइंदे से हम मिले हैं उन्होंने बहुत हमें होप दिलाया है कि वो पाकिस्तान के मसीहों की आवाज़ बनेंगे और बहुत सी मिनोरिटीज़ की जिसमें हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं उस पर बात करेंगे। वो पाकिस्तान पर ज़रूर ये प्रेशर डालेंगे कि मिनोरिटीज़ के हालात को बेहतर किया जाए। और मैं आप लोगों से आखिर में यही कहूँगा कि जितनी बातें आपने सुनी, हमने ज़ाहिर है कि तकरीबन 1.5 घंटे की हमारी मीटिंग थी और बहुत तफसील से बात हुई है GSP प्लस के ऊपर। हमारा मकसद यही था कि पाकिस्तान को ये बताया जाए कि जनाब, अगर आपने इंसानी हकूक जो हैं ख़ासतौर पर मसीही हकूक जो हैं उन पर अगर आप कोई काम नहीं करते तो फिर ये मुश्किलात जो हैं वो होंगी और उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है।